तो भाई गुड मॉर्निंग सारे को। हल्की हल्की सी धूप हो रही है, बारिश पड़ी है बड़ी बढ़िया से। सो रहा था मैं, सुबह 8 बज गए हैं। और भाई ये जो धूप है ना, ये चुपती नहीं है यार, अब मज़ा आता है। देहरादून की धूप है, कह रहे हो गए रोज़ ही पहाड़ दिखा रहा है भाई यार, क्योंकि ये व्यू बहुत प्यारा है, लिटरली बहुत प्यारा। मैंने मेरी आँख खुली थी 5 बजे, ना बारिश हो रही थी बहुत। मैं आया था बट मैं शूट नहीं कर पाया था, फिर मैं सो गया था, यहीं बैठा था 2 मिनट बैठा था, फिर चला गया। सामने पूरा मसूरी है, मैं हॉस्टल रहता था ना यहाँ एग्जैक्टली, तो ये जो मेरी फिंगर है ना, इसके सामने ही मेरा रूम था 004 सारा भाई का, वो देख रहे हो, ये सारा भाई हॉस्टल है मेरा। तो यहाँ से ना उस तरफ से, मतलब जब मेन गेट पे जाएंगे, आप कैसे समझाओ, जब मैंने आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो हॉस्टल के मेन गेट से ना वो वाली लाइट दिखती है, ये वाली पॉइंट ही है, जूम करता हूँ। यहाँ पे ना रात को जो वाइट हाउस है ना, लाइट एक ब्लिंक होती है, तो मैं मैक्सिमम वही देखता था फर्स्ट ईयर में। मैं अब देखता हूँ वो भी जलती है, तो 4 साल से मैंने वो लाइट ही देखी है, बहुत सारी चीज़ें और भी देखी है। तो यार अब मैं होता हूँ रेडी शेडी, ब्रेकफास्ट करता हूँ। एक दोस्त का टेस्ट है मेरे यहाँ सेंचर कंपनी का, 10 बजे से वो देंगे, और करते हैं कुछ। आज मेरे को घर भी जाना है, रात की ट्रेन है मेरी। भाई कल मैं आया था तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला नहीं था, तो आज मैं आ गया था कुणाल भाई के साथ। हाय कर दे भाई। हेलो भाई। तो ये कुणाल भाई हैं अपने, फ्रॉम हरियाणा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो ये अपना कॉलेज था, ये मेरे फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं। कॉमन देख रहे हो भाई, वही अपने यार बेली चल रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, 4 साल हो गए बस। अपना कुणाल भाई ये कुछ कुछ दोस्ती हैं, तो कॉलेज यार्स बिल्कुल हो रहा सन्नाटा, क्योंकि 1 अगस्त से बच्चे आएंगे, बाकी तो अभी तो सब खाली खाली चल रहा है। सामान भी नहीं है कॉलेज में, सारा सामान खाली हो गया, क्योंकि हॉस्टल जब खाली करते हैं ना तो सारा सामान खाली करना ही पड़ता है, चक्कर ये है। देखो जी सफाई वफाई चल रही है, धूप सी निकल ली है, पर ये चुभने वाली धूप नहीं है भाई, बढ़िया सी धूप है। क्यों भाई कुणाल? सही बात है। अब गाड़ी पार्क करूंगा, फिर जाऊंगा रजिस्ट्रार ऑफिस, जरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में पूछे, फिर ये दो सबसे महान टीचर हैं, सबसे ही महान। तो यार सर्टिफिकेट मिलने में भी लगेंगे 20 मिनट, बंद हो गया था, साइन नहीं हुआ, इतने मैंने सोचा हॉस्टल जाऊं, कुणाल गए एक दोस्त को छोड़ने, तुमने तुम्हारा भाई खा ली था तो सोचा जाए जाए हॉस्टल और दिखाया जाए। पर चक्कर एक ये है कि हॉस्टल लाइट भी तो चलो ठीक है, क्लास चल रही थी, मेरी बैक की क्लास चल रही, तो हॉस्टल आईडी मेरे पास है नहीं, चेकिंग होती है हॉस्टल आईडी की, हम देखते हैं जी जा पाते हैं कि नहीं, चले जाएंगे, कुणाल आ जाए इतने। ये ना वो एरिया है भाई जहाँ तुम आओगे ना अपने बैग वैग भी रखोगे एग्ज़ाम के टाइम, विश्वास बर्रिया के सामने, ये दोनों यहाँ गर्ल्स का होता है, बॉयज का। भाई यहाँ ये व्यू के पैसे हैं, ये भी बात है। भाई तो ये सारा भाई का बैक है, यहीं से एंटर होते मेन हॉस्टल से। भाई बुला रहा था तू कोई? करन करन नहीं, भीड़ ही भीड़ है, बच्चे बच्चे, ये फर्स्ट फ्लोर है, पानी पीने का है, तो रूम में पेंट वेंट चल रहा है। भाई ये मेरा रूम था, तो ऐसा कुछ बढ़िया सा रूम है, देखो जी 3 बेड है, ये मेरा बेड था यहाँ से, आप देखो जी सेक्सी सा, बढ़िया है, काफ़ी सुंदर है सबकी ना, ए बी सी, 3 अलमारी, 3 कबर्ड है, 3 चेयर है, ये बढ़िया सा वॉशरूम है। हम जाते हैं जरा, और अटेंडेंस लगाने तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर है, और
सफाई चल रही है, चीफ वार्डन का ऑफिस है। तो भाई यही अटेंडेंस लगती है, ये अपने भैया अटेंडेंस तो यहीं लगती है अभी भी। सारे कैमरे यहीं से सारा कुछ दिखेगा तुम्हें तो DIT का। सफाई चल रही है, ये लिफ्ट है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ तक जाएगी। कहाँ मिलेंगे चीफ वार्डन? चीफ वार्डन चाहिए समझिए क्या। ये बैक साइड है भाई सारा भाई की, पहले तो यही मेन गेट होता था, यहीं से कैफेटेरिया। ये राजी सहरा भाई, पर मैक्सिमम वही गेट यूज़ करते हैं, ये बैक साइड है, यहीं से रास्ता चले जाता है ग्राउंड व्राउंड का। ये गेट तो बंद रहता है, कभी कभार ये खुलता है, पर एंट्रेंस के लिए वही आगे मेन हॉस्टल का मेन गेट यूज़ होता है। ये वहीं विश्व मतलब कैफेटेरिया वाला ब्लॉक चले जाता है यहाँ से, पर ये बंद रहता है। ये असिस्टेंट वार्डन है भैया। आपको कितना साल हो गया यहाँ? 2013। हाँ मेरी तो पूरी पढ़ाई होगी आपको देखते हुए भी। बच्चे सारे फुल हो गए? आप बोल रहे हैं कि फुल हो गए। भाई कहाँ से वहाँ से कट रही है पूरी। तो यार मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, कुणाल रहता था फोर्थ। ओए मैस दिखा देते हैं एक बारी अंदर से भाई, मैस दिखा देता हूँ एक बारी। ये सोफा यहाँ ना रहता, यहाँ ना कुछ रहता, मैस में इतनी भीड़ रहती है कि बस पूछो मत। अभी चल रहा तुरंत पेंट ही पेंट। ओ लो जी, मैंने पहले वीडियो डाली थी तब पेंट नहीं चल रहा था, अभी चल रहा दबा के पेंट सफाई। अभी ऐसा तो मैं लगेगा कॉलेज बिल्कुल नया। बाकी दो मैस हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये अंडे वंडे मिलते हैं, ऊपर वाला प्योर वेज सेम है, और इसी के ऊपर गेम्स रूम भी है। भाई कुछ अलग चीज़ हो तो बता दे, वो भी दिखा दे। हैं लो जी, ये तो देखते देखते इतना बोर हो गया, कह रहा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर शाम को चाय रख के पकौड़ी रख के मैं यहाँ खाता हूँ, व्यू बड़ा बढ़िया आता है, तुम भी करना ट्राई। क्या हाल है? तो भाई ये सब ना टाइमिंग ऐसे लिखी हुई है, उस कुछ होता नहीं है। एक वेलकम्स यू DIT सफर जी, कुछ ना होता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत, पार्सल वाला नीचे तो आता है, पर फूड्स वाला जोमेटो वाला जो होता है ना मेन गेट पे ही आता है। ये मेरा बहुत तगड़ा इशू प्रॉब्लम रहती है DIT से। तो मैं बैठूँ यार, वजन बढ़ गया, सांस फूल जा रही तुम्हारे भाई। देखो यार इतनी गर्मी भी लग रही है और टाइम काम हो नहीं रहा अपना। अभी लंच टाइम चल गया तो किस्मत अपनी ख़राब ही चल रही है, मैंने भी सोचा लंच ही कर लिया। बाकी डॉक्टर के यहाँ से ये दवाई ले ली और भी कुछ दवाई ली, बाकी ये दूसरे मेडिकल से मिली थी इसलिए ऊपर रखी है। ये वो एरिया है जहाँ मज़े भी आते हैं, और एक करियर सर्विस सेल CDC सेल यहीं पे है, जिसे हम कहते हैं करियर डेवलपमेंट सेल, प्लेसमेंट सब यहीं होता है। ये बैठा हमारा एक लैब वाला मास्टर, हमारे कोई देख रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई। ना फ्री का खा रहे होंगे, तुझे लग रहा है? फ्री का खाने वाले भी बहुत आते हैं मैस में, और गर्ल्स मैस में ना इडली बनती है तो सुना है भाई बहुत अच्छी बनती है। मेरे भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तुम्हारे भाई का, 7.5 GB चल रही है। तो लो जी यही है वो सर्टिफिकेट, मतलब ये ना जैसे डिग्री होती है हमारी 8 सेमेस्टर होगी, ऐसी एक पन्ने में ना पूरा 8 सेमेस्टर है। तो जब आप कंपनी में जाओगे ना तो डिग्री तो हमें मिलेगी नवम्बर में, तो अब हम आएंगे सीधे नवंबर में डिग्री लेने, तो तब तक ये सर्टिफिकेट है जो कॉलेज में देखो डिप्टी रजिस्ट्रार साइन भाई, ये कंपनी में दिखा के पता चलता है हाँ भाई हम DIT से पढ़े हैं, हमारी इतना इतना हिसाब है, हिसाब मतलब CGPA इतनी है बस। और ये सब जी देख रहे हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट TC है। अब कुछ बच्चे MTech के लिए अप्लाई करते हैं और मास्टर्स के लिए ना फॉरेन के लिए, तो ये सर्टिफिकेट लगाते हैं। जी पूरी गाड़ी चमक गई अपनी मस्त, बिल्कुल वॉश वॉश करा ली, अब चाचा भी खुश रहेंगे देखो। और बहुत अच्छे रेट में धो दी अंकल जी ने, धन्यवाद जी। इतना नहा दोगे तो मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ जितनी अपनी गाड़ी लग रही है। वाह जी वाह, आलो जी अपने देख रहे थे रूम से सनसेट, सन होने वाला है सेट, बहुत प्यारा आ रहा है। वो देख रहे हो वो कितना सुंदर लग रहा है। तो यार देहरादून से ना सनसेट और स्काई बहुत सुंदर लगता है, ये रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आता है।
सामने वाले पहाड़ ऐसे। लो जी प्रॉपर सनसेट हो गया, बहुत बढ़िया सा दिख रहा, देख रहे हो। सारा थोड़ी देर बाद ना और ऑरेंज ऑरेंज सा हो जाता है, और अगर लैंडोर से देखोगे ना तो लैंडोर उस तरफ ही है पूरा ऑरेंज वाइट, बहुत बढ़िया लगता है वो तो। बोला कॉलेज, कॉलेज के रूफटॉप से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमारी ट्रेन छुट्टे छुट्टे बची है, अब ट्रेन आ गई है, हम जा रहे हैं, लेट ज़्यादा हो गए थे भाई। सोना हो रहा है मुश्किल क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। ओके बाय, गुड नाइट।